BS4 वाहन 1 अप्रैल के बाद कोई भी BS4 वाहन रजिस्टर नहीं होगा, ये अभी तक की स्टेटमेंट थी। लेकिन बीच में आ गया हमारा लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से रजिस्ट्रेशन पहले से ही बंद होगा, जो निर्धारित समय थी 31 मार्च तक, तो उसका अपडेट आ चुका है। अब जितनी भी कंपनियां हैं उनके BS4 के वाहन कब रजिस्टर, कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पूरे 21 दिन का चलेगा, ठीक है। जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा, जैसे 14 को होना है ना, 14 अप्रैल को समाप्त होगा, उसके 10 दिन बाद तक रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे BS4 वाहनों के, ठीक है। तो काफ़ी कंपनियां अच्छे अच्छे डिस्काउंट दे रही हैं, जैसे कि हम बात करें TVS की, तो वह 11,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। हीरो का तो सभी को पता है, हमेशा से ही बढ़िया डिस्काउंट देती चली है। लेकिन बात रही होंडा की, तो होंडा ने अभी तक कोई भी अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया। 5,000 का डिस्काउंट निकाला था, उसके बाद वापस ले लिया, लेकिन अभी होंडा के पास अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को अच्छी डील मिल जाए। हालांकि मैं शोरूम गया था और मैंने वहाँ पर जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि अभी कोई कंपनी की तरफ से कोई भी डिस्काउंट का अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन उसके अगले दिन ही न्यूज़पेपर में आ गया था कि होंडा की चुनिंदा बाइकें थी जिसमें शायद, अब मुझे नाम नहीं ध्यान, दो बाइकें थी जो खास तौर से थी, ठीक है, शायद साइन थी उसमें, ठीक है, तो उन पर 5,000 का डिस्काउंट दिया था। लेकिन जो मुझे चाहिए थी उस पर उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो मैंने उनसे फ़ोन कर दिया, अगर आपका जब डिस्काउंट हो तो कॉल कर देना। तो उन्होंने लीवो, होंडा की जो लीवो बाइक है उस पर कॉल आई थी कि 5,000 रुपये का आपका डिस्काउंट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, हालांकि वो अपनी तरफ से नहीं दे रहे होंगे, कंपनी से आई होगी। तो ये रहा, और जो BS4 अब वाहन है, अब लगातार आपको जब लॉकडाउन समाप्त होगा ना, उसके 10 दिन बाद तक आराम से मिलते रहेंगे, तो डील अच्छी मिलेगी, मैं बिल्कुल परेशान होगा जिन लोग चूक गए हों उससे। दूसरी अपडेट मैंने क्या बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैं अभी कह रहा हूँ कि रुके रहो, क्योंकि अभी क्या है उसकी बैटरी बहुत महंगी है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 35,000 रुपये की जो बैटरी आ रही है उस हिसाब से वाहन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप अभी पेट्रोल पर ही रहें और पेट्रोल का पता है कितना सस्ता हो चुका है, हालांकि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 20 रुपये लीटर पेट्रोल बेच सकती है, 30 रुपये में तो बेच ही सकती है, लेकिन वो 70 में बेच रही है, बाकी सब्सिडी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। 30 मैं कह रहा हूँ, 40 मान सकते हैं जो कुछ उनकी ड्यूटी लग सकती हो, और सारे चार्ज लगने के बाद 40 से ऊपर नहीं जाएगा अगर वो चाहें तो, मतलब जो नियम के सब लेकिन सरकार की भाई अपनी तनाशाही है, अभी उसे पैसे की ज़रूरत है, तो इस वजह से भी पेट्रोल महंगा चल रहा है, डीजल महंगा चल रहा है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर पेट्रोल 66 रुपये बैरल से गिर कर 66 रुपये, एक बैरल में 156 लीटर होते हैं, उसका था $66 था पहले, जब हमारे में 70 रुपये में बिक रहा था, अब वही आ गया है $20 प्रति बैरल। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुने से भी, मतलब कहा यह जा रहा है कि भारत में जो पानी की बोतल है वो 20 रुपये लीटर मिल रही है और कच्चा तेल उससे कम में है। 100% डील बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, हो सके तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगा। तो ये, और आप अगर रेगुलर ऐसे ही अपडेट चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपन लोग ऐसे ही बैठ के वापस बातें करेंगे, खास नहीं एडिट नहीं करेंगे, ठीक है, जो है सीधे बोला करेंगे। टाइम बचना है, काम की बात मिलनी चाहिए, स्मार्ट नॉलेज, ठीक है, स्मार्ट नॉलेज मैं देने की कोशिश करता हूँ। जो एक बार सब्सक्राइब करना आया करेगी अगर नोटिफिकेशन, तो आप थोड़ी जानकारी लेना, बिल्कुल टाइम तो फूकते नहीं है, जितनी काम की बात होती है उतनी बता देते हैं, ठीक है। कोई नई अपडेट आएगी, हाँ, उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिल रहा है उसके बारे में बहुत जल्दी बात करेंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो और वीडियो देख सकते हैं कि जो फ्री मिल रहे हैं 3 महीने के सिलेंडर, उसकी क्या योजना है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 4 मिनट 2 सेकेंड। बाय, सब्सक्राइब किए बगैर कोई मत जाना।